एक गांव में रामनाथ कहकर एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। उनका इकलौता बेटा था गोपाल। गोपाल बहुत नादान था। उसके बारे में सबको पता चलकर गांव में कोई उसे नौकरी नहीं दे रहे थे। एक दिन रामनाथ गोपाल को उस गांव के मुखिया के पास लेकर गया था। प्रताप सिंह उस गांव में सबसे धनवान था, एक नंबर का कंजूस था और बहुत बुरा था। रामनाथ प्रताप सिंह से, हुजूर ये मेरा बेटा गोपाल है, कृपया करके इसे आपके पास काम में लगा दीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास ये 3 साल बिना रुकावट काम करना होगा, तब इसको वेतन देता हूँ। आपकी मर्जी हुजूर, ये आप जो कहते हैं वो काम किया तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बापू फिर वेतन कितना देते हैं पूछो। अरे तुम्हें काम देना ही बड़ी बात है, तुम्हारी मेहनत को देखकर कुछ ना कुछ तो देंगे। तुमको खाना खिलाना ही मुझसे मुश्किल हो रहा है, इधर रहेगा तो कम से कम 3 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। चुपचाप जो कहते हैं वो काम करो, कहकर चला गया। उस दिन से लेकर प्रताप सिंह गोपाल से बहुत काम करवाया और हर रोज एक ही बार खाना खिलाता था। एक दिन प्रताप सिंह गोपाल से, अरे गोपाल आज तक तुम्हारी 3 साल का काम पूरा हो गया है, तुम्हारा वेतन लेकर तुरंत इधर से चले जाओ। ठीक है मालिक, मुझे जो मिलना है वो दीजिए। प्रताप सिंह उसके हाथ में 300 रुपये रखा। वो देखकर गोपाल हैरान हो गया था, लेकिन कुछ नहीं कह सका और मालिक मैंने 3 साल पहले जब आपके पास काम के लिए आया था तब से लेकर आज तक मेरे पास केवल यही कपड़े हैं, कृपया करके मुझे नया कपड़े दिलवा दीजिए ना। जब तुमको काम पर लगाया था तब तुम्हारे बाप मुझे इस कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल 3 वक्त का खाना देने को कहा था, मुझे जो लगा वो दे रहा हूँ। 1 साल का 100 रुपये, चाहिए तो ले लो नहीं तो नहीं। तब गोपाल वो 300 रुपये लेकर शहर को निकला। गोपाल जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उनको एक भिखारी दिखाई दिया। तब वो भिखारी गोपाल को रोक कर, बाबू मुझे 100 रुपये दान करो। मेरे पास तो केवल 300 रुपये है, 3 साल मेहनत करके कमाया था, इनसे मैं शहर में नया कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, कहकर आगे चला गया। थोड़े देर के बाद गोपाल वापस उस भिखारी के पास आया था। तुम्हारे कपड़े तो मेरे कपड़े से भी पुराने लग रहे हैं, ये लो 100 रुपया। वो भिखारी 100 रुपये लेकर एक चाबी गोपाल को दिया था। ये तुम्हारे पास रख लो, आगे आगे तुम्हारे लिए ये काम आएगा। गोपाल को कुछ समझ में नहीं आया। गोपाल थोड़े आगे जाने के बाद उनको और एक बूढ़ा भिखारी दिखाई दिया। उनका कपड़े भी बहुत खराब और फटे हुए थे। गोपाल उन्हें भी 100 रुपया दिया था और वो भी गोपाल को एक चाबी देकर चला गया। गोपाल और थोड़े आगे जाने के बाद उसे तीसरा भिखारी दिखाई दिया। उनके कपड़े भी बहुत फटे हुए थे। गोपाल उनके पास जो बचा था वो 100 रुपया भी उनको दे दिया। वो भी गोपाल को एक चाबी दिया। ये चाबियों का मामला क्या है दादाजी, ताले के बिना इन चाबियों के साथ मैं क्या करूं? आपसे पहले भी मुझे 2 लोग ऐसे ही चाबियां दिए थे। धीरज रखो बेटा, इनसे तुम्हें अच्छा ही होगा, और थोड़ा आगे जाओ तुमको ही पता चलेगा। और किसी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कहकर उधर से आगे गया। कुछ देर के बाद उसे 3 बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए थे और उन 3 पेड़ को 3 बड़े बड़े दरवाजे भी थे। एक दरवाजा पैसों से बना हुआ था, दूसरा दरवाजा सोने से बना हुआ था और तीसरा दरवाजा हीरों से बना हुआ था। तब गोपाल को वो 3 चाबियां याद आए। गोपाल पहले पेड़ के पास जाकर चाबी लगाकर ताला को खोला, तब उसमें से ढेर सारे रुपए गिरने लगे। गोपाल दूसरा दरवाजा खोला तो ढेर सारे सोने का गहने गिरने लगे। तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें से ढेर सारे हीरे गिरने लगे। गोपाल बहुत खुश होकर उन सबको इकट्ठा कर लिया। ऐसे गोपाल शहर जाकर एक बड़ा सा घर खरीद लिया। गहनों का व्यापार और कपड़ों का व्यापार भी शुरू किया था। ये बात प्रताप सिंह को पता चला। मैंने जो दिया वो 300 रुपयों से वो इतना सारा संपत्ति कैसे कमाया? सच में वो सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए, कहकर ईर्ष्या द्वेष से रगड़ गया। उनको जो सौभाग्य मिला वो मुझे भी कमाना होगा, सोचा और वो गोपाल जैसा पुराना कपड़े पहनकर 300 रुपये लेकर निकला।
गोपाल ने जैसे किया था वैसे ही उन तीन भिखारियों को 300 रुपया दान दिया और तीन चाबियां लिया था। और जंगल में जाते जाते वो तीन पेड़ के दरवाजों तक पहुंचा। हीरों के दरवाजे के पास जाकर, इसमें जरूर हीरे होंगे, कहकर उस दरवाजे को खोला। बस उस दरवाजे से बड़े बड़े पत्थर फिसलते हुए आकर प्रताप के ऊपर गिरे और प्रताप सिंह उनके नीचे फंस गया था। कैसे भी करके प्रताप सिंह उन पत्थरों के नीचे से निकल गया और ये क्या हो गया है सोचकर रुपयों के दरवाजे को खोला और उसमें से पुराने कागज और पुराने कपड़े और बहुत सारा कचरा आकर प्रताप सिंह के ऊपर गिरे। प्रताप सिंह वो सब साफ करके सोने का दरवाजे को खोला। बस उसके अंदर से राक्षस बाहर निकले। तब प्रताप सिंह डर गया था। तब वे राक्षस प्रताप सिंह को कोड़े से मारने लगे। अरके अरके आप कौन हैं और मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम बहुत अन्याय से गोपाल के मेहनत को 3 सालों तक लूट लिया, इसलिए सजा के रूप में तुम्हारे सारे संपत्ति गोपाल के पास पहुंच गया। हमने जो उसे दिया वो सब तुमने जो अन्याय करके कमाया था वही है। तुम्हारे ऊपर ये पुराने कपड़े के अलावा अब तुम्हें कुछ भी नहीं बचेगा। कम से कम अब से तुम्हारे बुद्धि को बदल कर सबका सहायता करो, नहीं तो तुम्हें खाना तक नहीं मिलेगा। जाओ, कहकर उधर से गायब हो गए थे। प्रताप सिंह वापस घर जाकर देखा तो उनका पूरा दीवार टूट गए थे और घर का पूरा सामान पत्थर और कचरे में बदल गए थे और प्रताप सिंह को उनके पुराने कपड़े ही बचे थे। तब प्रताप सिंह अपने आप को निंदा किया। गोपाल उनके पिता के साथ एक बड़ा बंगला में सुकून की जिंदगी जीने लगा। श्यामला नगर नामक एक शहर में रतन और बिशन कहके दो पड़ोस रहा करते थे। रतन मेस्त्री का काम करता था, बिशन मिट्टी के मटके, मूर्ति और कई चीजें बनाता था। रतन का लड़का था बिट्टू और बिशन का टिंकू। बिट्टू और टिंकू अच्छे दोस्त थे, दोनों मिलके साथ में स्कूल जाया करते थे। एक बार रतन और बिशन प्रकाश सेठ के पास अपना घर गिरवी रख के पैसे लिए थे। वो प्रकाश सेठ का बेटा राज ने देख लिया। उस दिन राज स्कूल में बिट्टू और पिंकू को बुलाकर, रे इतने दिनों से तुम दोनों अच्छे मार्क्स ला रहे हो करके मजे कर रहे थे ना, खेल में भी मुझसे आगे निकल गए, उसके वजह से मैं इतना अमीर होते हुए भी तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज तुम दोनों के पिताओं ने मेरे पापा के पास तुम्हारे घर गिरवी रख के उधार लिए हैं। मेरे पापा ने कह दिया कि वो दोनों उधार नहीं चुका पाएंगे, इसीलिए आज से तुम दोनों जो मैं कहूँगा वही करोगे, नहीं तो मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें तुम्हारे घर से बेघर कर दूंगा, देख लेना। टिंकू और बिट्टू सुनकर डर गए। नहीं नहीं राज, हमने तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं किया है, तुम ही कुछ ऐसे वैसे सोचकर हमसे बदला लेना चाहते हो। आगे से जो तुम बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, जो कल यूनिट टेस्ट होंगे उसमें तुम दोनों 0 लेके आओगे। सारे बच्चों को तुम्हें देखकर फूट फूट के हंसना होगा। मास्टर जी को तुम्हें अपनी छड़ी से खूब मारना होगा। इसके लिए उन दोनों ने हाँ बोला। अगले दिन यूनिट टेस्ट में टिंकू और बिट्टू ने कुछ नहीं लिखा, दोनों को 0 मार्क्स आए। फिर भी बाकी के बच्चों ने उन दोनों की खिंचाई बिल्कुल नहीं की। राज वो देखकर चौंक गया। इतने में मास्टर जी ने उनके पेपर देखकर, क्यों बेटा टिंकू और बिट्टू, एग्जाम में कुछ नहीं लिखा, बेचारे लगता है तुम लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मैं 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, घर जाके अच्छे से आराम कर लेना, जो अच्छे पढ़ते हैं उन्हें कभी कभी ऐसा माइंड ब्लॉक हो जाता है, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करना, चलो अब जाओ। वो दोनों फिर घर चले गए। राज को कुछ भी समझ में नहीं आया। घर जाते ही घर पर बिट्टू और टिंकू ने अपने अपने पिता को सवाल किया कि उन्होंने उधार क्यों ली। हम लोग मिट्टी और ईंट से बच्चों के लिए बैटरी के गाड़ियां बनाने के लिए तय किए, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए उस सेठ के पास हमने उधार लिया। हाँ बेटा, और कितने दिन ऐसे असफल सी जिंदगी जीते रहेंगे, कुछ नया करना है करके ऐसा किया है हमने। एक कारोबार सफल हुआ तो उसका उधार यूं ही चुका देंगे। सैंपल के लिए मिनी ऑटो हमने तैयार किए हैं, देखो। देखा तो वहाँ एक मिनी ब्रिक ऑटो और एक मिनी क्ले ऑटो थे। वो देखकर टिंकू और बिट्टू चौंक गए, खुशी से ताली बजाने लगे। अगले दिन बिट्टू और टिंकू उन मिनी ऑटोज में स्कूल गए। सारे बच्चे इन ऑटोज के आसपास शामिल हो गए, उन्हें देखकर खुशी से तालियां बजाने लगे।
बिट्टू टिंकू तुम लोग सच में ग्रेट हो। तुम्हारे पापा और भी ग्रेट हैं। कितना बढ़िया आइडिया है। फॉरेन कार टॉय से यही बेहतर है। वो सुनकर राज गुस्से से लाल हो गया। टिंकू बिट्टू बच्चों को उन ब्रिक क्ले ऑटो में बिठाकर स्कूल ग्राउंड में चक्कर लगाए। राज उस अपमान को सह ना सका। अगले दिन राज अपने पिता प्रकाश सेठ को मनाकर पैसे से एक मिनी ऑटो बनवाया। उस मिनी ऑटो में अगले दिन स्कूल पहुंचा। सारे बच्चे उस ऑटो को अजीब से देखने लगे। टिंकू और बिट्टू राज के पास आए। यार राज, पैसों से ऑटो क्यों बनवाया? चोर आकर इन पैसों को लूटने का डर है ना? हमने तुम्हारे मुकाबले में ये क्ले ऑटो और ब्रिक ऑटो नहीं बनवाया है। ये हमारे पापा का व्यापार का हिस्सा है, बस। ए, बस करो अपना ज्ञान। देखो पूरा स्कूल मेरे मनी ऑटो को मुंह खोलकर देख रहे हैं। आओ हम तीनों रेस लगाएंगे। आज तय हो जाएगा कि मैं तुम लोगों से ग्रेट हूँ। और बाकी बच्चों से राज ने, हम यहाँ से शुरू होके शहर के बाहर महाकाली टेंपल तक होते हुए वापस यही आएंगे। जो पहले आएंगे वही विनर होंगे। तब बिट्टू टिंकू से, यार ये बेचारा आत्महीनता की भाव से गुजर रहा है। इस रेस में इसी को जीतने देते हैं, खुश हो जाएगा। रेस शुरू हो गया। राज तेजी से अपने मनी ऑटो में जा रहा था। बिट्टू टिंकू जानबूझ के धीरे धीरे जा रहे थे। राज शहर से बाहर निकल गया। वहां एक जगह बड़ा सा गड्ढा था। राज ने ऑटो का ब्रेक मारा मगर ब्रेक नहीं लगा। वो दंग रह गया। उसका मनी ऑटो गड्ढे के करीब से गया। बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ करके चिल्लाने लगा। वो मनी ऑटो गड्ढे में गिर ही रहा था कि टिंकू और बिट्टू अपने ऑटोस को उसके ऑटो के सामने लाके खड़ा कर दिए। उन ब्रिक और क्ले ऑटो से टकराकर राज का ऑटो रुक गया। राज ने गहरी सांस ली। राज ऑटो उतर के दोनों को प्रणाम किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के ऊपर यूं ही बदले की भावना बढ़ा रहा था। सिर्फ पैसे रहने से कोई बड़े नहीं बन जाते करके आज ही मुझे समझ आया। अगर मैं इस गड्ढे में गिरता तो रेस में तुम लोग ही जीतते, मगर तुम लोगों ने मेरी जान बचाने का ज्यादा मूल्य दिया। सच में तुम लोग ही अमीर हो। बाद में राज ने अपने पिता को जो हुआ सब सुनाया। प्रकाश सेठ, रतन और बिशन को प्रणाम करके उनके घर के कागज उन्हें वापस कर दिए। उस दिन से बिट्टू टिंकू और राज अच्छे दोस्त बन गए। तीनों मिलके पढ़ने लगे। राज को भी अच्छे मार्क्स आने लगे। रतन और बिशन मिट्टी और ईंट से अलग अलग खिलौने बनाने लगे। वो कारोबार सफल होके खूब पैसा कमाने लगे।